बार थाना क्षेत्र अंतर्गत अचुआरा गांव के समीप एनएच 31 पर एक बाइक को तेज रफ्तार कार ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दंपत्ति की पहचान सालिमपुर थाना के अलीपुर बेहटा निवासी प्रमोद और उसकी पत्नी संजू के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए और असंतुलित होकर दोनों सड़क पर गिर गए। वहीं इसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्रमोद और संजू को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बार थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। भादो मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले प्रथम पूज्य गौरीपुत्र भगवान गणेश की पूजा के अवसर पर बुधवार को देश भर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं इसको लेकर भागलपुर के शहरी और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर पूजा पंडाल में हर्षोल्लास के साथ सिद्धि विनायक गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। भागलपुर के सोनापट्टी, मुंदीचक, भिकनपुर, सिकंदरपुर, मिर्जान हाट, तिलका मांझी समेत शहर के कई इलाकों और सभी प्रखंड क्षेत्रों में दो वर्षों के बाद गणेश पूजा समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में जहां 10 दिनों तक गणेश पूजा समारोह पूर्वक मनाया जाता है, वहीं आम तौर पर भादो मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को गणेश पूजा की जाती है, जबकि इसको लेकर कई जगहों पर जागरण और समारोह का भी आयोजन किया जाता है। इधर भागलपुर के अलग अलग पंडालों में आकर्षक सजावट के साथ भगवान गणेश के भोग के लिए बनाई गई लड्डू भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इधर नाथनगर के चंपानगर महाशय डियोड़ी में गणेश पूजा समिति की ओर से हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया और भक्ति गीतों से पंडाल गूंजता रहा, जबकि गणेश की प्रतिमा का स्वरूप महाशय डियोड़ी दुर्गा मंदिर के अनुरूप बनाया गया, जिसे देख कर भक्त रोमांचित दिखे। इसके अलावा पूजा पंडाल भी काफी भव्य तरीके से बनाया गया, जहां मंदिर प्रांगण में बच्चों के लिए कई प्रकार का झूला और खाने पीने के सामग्री की दुकान सजाई गई थी, जिसका बच्चों ने जमकर आनंद लिया। वही पूजा को लेकर कमेटी के सदस्य ने बताया कि यहाँ पर करीब 150 वर्षों से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है, जबकि 2 सितम्बर को प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये हमारे पूर्वजों से बैठता आ रहा है, कम से कम 150 साल से पुराना। डेट में जो है गणेश चतुर्थी के शुभारंभ पूजा शुभारंभ किया गया, बाकी 2 तारीख को इसका विसर्जन यात्रा निकाली। यात्रा जो है हमारा मेन जो है वो बहुत भव्य रहता है। यहाँ से निकल के नरगा चौक सीटीएस होते हुए नाथनगर, मैथिली नगर होते हुए तांतीजा होते हुए देवीला लोडी देवी मंडप लेन में विसर्जित होता है हर साल। वहीं कहलगांव के चारी भोलसर स्थित व्यवसायिक गणेश पूजा समिति की ओर से स्टेशन चौक पर बुधवार को 3 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हो गई। वहीं इसको लेकर कई दिनों से ही मूर्तिकार द्वारा प्रतिमा को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान बनारस के पंडित द्वारा पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की गई। पूजा में शिव शंकर शाह और पत्नी आरती देवी यजमान के रूप में थे, जिन्होंने भगवान गणेश का आह्वान कर बप्पा की पूजा की। वहीं इसको लेकर पूजा समिति के सदस्य ने बताया कि पूजा में 15 किलो के एक लड्डू के अलावा कई पूजन सामग्रियों का भोग लगाया गया, जबकि पूजन के बाद खिचड़ी का भी भोग लगाए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि कलकत्ता से आई टीम द्वारा भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा, जबकि इसके अलावा गोड्डा झारखंड से संथाली नृत्य की भी प्रस्तुति होगी। हमारे एक चारी स्टेशन के समीप जो है हमारे व्यवसायिक गणेश पूजा समिति की ओर से जो है गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया है, और ये हमारे पिछले 4 वर्षों से जो है यहाँ पर कार्यक्रम होता है। पिछले 2 वर्षों से जो है कोरोना का काल था, जिसके कारण से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं हुई, लेकिन इस बार जो है हमारे प्रशासन के द्वारा भी जो है यहाँ पे आदेश मिला कि जो है आप लोग पूजा कर सकते हैं, और बड़ी ही धूमधाम से जो है यह पूजा यहाँ पर जो है गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है।
ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। नाथनगर थाना क्षेत्र के चौकी नियमतपुर निवासी सुमन कुमार सुमन के 18 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार का शव लखीसराय रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैक पर मिला। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शिवम मंगलवार की दोपहर बाद से लापता था और उसके पिता ने इसकी शिकायत नाथनगर थाने में भी की थी। वहीं एक दिन बाद ही पुत्र का शव लखीसराय में मिलने की जानकारी मिलते ही पिता ने शव की शिनाख्त की, जिसमें यह साफ हो गया कि बरामद शव शिवम का ही है। इधर मामले को लेकर मृतक के पिता सुमंत ने बताया कि मंगलवार को शिवम अपने बड़े भाई के साथ दिन के समय भागलपुर गया था और वहां से लौटने के बाद दोनों भाई ने मिलकर दोपहर में खाना भी खाया, लेकिन इसके बाद बड़ा बेटा सत्यम सो गया और शिवम करीब 3 बजे घर से निकला था। सुमंत कुमार सुमन ने बताया कि बाद में उसकी माँ और भाई ने जब उसकी खोजबीन की तो उसका कुछ भी पता नहीं चल सका, लेकिन बुधवार की सुबह उसे लखीसराय रेलवे स्टेशन से GRP का फोन आया, जिसमें उसके पुत्र शिवम का शव लखीसराय रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर बरामद होने की जानकारी मिली। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे का बुधवार को सीतामढ़ी में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। वहीं सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद नेता और कार्यकर्ताओं ने सभापति और उपसभापति को मल्यार्पण कर अपने नेता के समर्थन में नारा भी लगाया। हालांकि समारोह में एक तरफ जहां JDU के विधायक और सांसद ने हिस्सा लिया तो वहीं भाजपा और राजद के सभी विधायक कार्यक्रम से नदारद दिखाई दिए। सीतामढ़ी के लिए सबसे शुभ है कि माँ जगत जननी के आशीर्वाद से सीतामढ़ी के 2 लाल आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी और आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी बिहार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद पर शपथ लेने के बाद आज पहली बार अपने धरती पर माँ सीता के आशीर्वाद लेने इस पुनौरा धाम में आए। हम सभी सीतामढ़ी वासी, पूरे बिहार के साथ साथ पूरे जिला वासी बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे 2 लाल आज बिहार विधान परिषद में आसीन होकर सुचारू रूप से सदन चले, पक्ष विपक्ष अपनी बात रख सके, सभी के पक्ष विपक्ष के विश्वास पर खरा उतर सके, ऐसे हमारे सभापति और उपसभापति चुने गए हैं। पीरपैंती के शेरमारी बाजार में राजद संगठनिक चुनाव को लेकर पार्टी के निर्वाचित पदाधिकारी संदीप बंका की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रखंड कार्यकारिणी के सदस्य चयन पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें चयनित डेलीगेट एवं पंचायत अध्यक्ष समेत कई सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। वहीं बैठक में निर्वाचित पदाधिकारी संदीप बंका की मौजूदगी में सर्वसम्मति से रंजीत साह को राजद दक्षिणी मंडल का अध्यक्ष चुन लिया गया। साथ ही मुकेश यादव को प्रधान महासचिव, मोहम्मद वसीम को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष समेत 10 कार्यकारिणी सदस्यों का भी निर्विरोध चयन किया गया। पीरपैंती दक्षिणी, पहले मैं पूरे पंचायत का, पूरे प्रखंड का अध्यक्ष था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग के द्वारा 2 खंड में बांट गया है पीरपैंती का, तो मैं दक्षिणी सीट से, अति पिछड़ा के सीट से, हमको राजद के सभी डेलीगेट और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने
दूसरी बार ये भार दिया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में जो इन्होंने हमको मान सम्मान दिया है उसको मैं ख्याल रखते हुए सभी लोगों का काम और सभी की समस्याओं पर अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्य करूंगा।